नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 19 फरवरी शनिवार को वैनगंगा मजदूर यूनियन द्वारा प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती नगर मुख्यालय बालाघाट के इतवारी गंज मंडी कॉम्प्लेक्स में उत्साह पूर्वक माल्यार्पण कर मनाई गई। इसके साथ ही सभी मजदूर साथियों ने शिवाजी महाराज के जय घोष के नारे लगाए और शिवाजी महाराज के चरणों में पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने यहां की अव्यवस्थाओं को लेकर नगर पालिका प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आज शिवाजी जयंती के अवसर पर भी नगर पालिका द्वारा शिवाजी महाराज की प्रतिमा की ना तो साफ सफाई की गई है और ना ही प्रतिमा को धुलवाया गया, जो काफी अफसोसजनक है। हालांकि जयंती मनाने पहुंचे वैनगंगा मजदूर यूनियन के मजदूर साथियों द्वारा स्वयं शिवाजी महाराज की प्रतिमा की साफ सफाई कर विधिवत रूप से शिवाजी जयंती मनाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती अवसर पर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री बिसेन ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समाज को एक नई दिशा देने के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। देश की गौरव गाथा में उनका नाम आता है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इतवारी गंज मंडी कॉम्प्लेक्स में शिवाजी प्रतिमा का उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था और यहाँ शिलालेख पर बड़े बड़े नेताओं के नाम लिखे गए हैं। महापुरुषों की जयंती के अवसर पर भी उनकी प्रतिमाओं की साफ सफाई न करने से उनका अपमान होता है, ये बात जिम्मेदारों को समझनी चाहिए। आज पूरा देश जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहा है। मैं बालाघाट जिले वासियों को सबसे पहले शिवाजी महाराज की जयंती की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम अच्छे जानते हैं कि हमारे समाज को एक दिशा देने में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान रहा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी जो है जब इस देश की गौरव गाथा की बात आती है तो शिवाजी महाराज का जिक्र होता है। आज हमारे वैनगंगा मस्जिद यूनियन के साथियों ने तय किया था कि आज शिवाजी महाराज की जयंती यहाँ मनाएंगे। हमारी मूर्ति जहाँ पे स्थल है यहाँ पे आकर पूजा अर्चना करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। पर जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अव्यवस्था थी, यहाँ पे साफ़ सफाई हमारी उनके लड़कों ने भी करी है और मैंने नगरपालिका सीएमओ से भी चर्चा करी तो वो संसाधन भेज रहे हैं मूर्ति धुलवाने के लिए। परंतु मेरा कहना ये है कि आज हम आ गए यहाँ पर तो हमें इस मूर्ति की दुर्दशा समझ में आई। अगर हम आज नहीं आते किन्हीं कारणों से या कहीं और जयंती मना लेते तो जो जनता के लाखों रुपये खर्च करके टैक्स के जो ये बनी है मूर्ति यहाँ लगी है और जिस तरीके से इसका उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं किया था और जिस तरीके से जो है बड़े बड़े नेताओं के नाम यहाँ जो है इस शिला में दर्ज है, कहीं ना कहीं इस मूर्ति का अपमान हो रहा है तो दुख होता है। मेरा कहना यही है कि कम से कम महापुरुषों की जयंती के दिन तो इनकी मूर्तियों की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। तो सर किसकी जिम्मेदारी होती है जैसे मूर्ति? देखिए जिम्मेदारी तो नगरीय प्रशासन की है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि पूर्व नगरपालिका मतलब पिछले कार्यकाल में हर प्रत्येक मंगलवार को जो सभी मूर्तियों को धुलवाया जाता था, बाकायदा फायर ब्रिगेड आती थी, शहर में जितनी भी महापुरुष की मूर्ति लगी तो धुलवाया जाता था। पर वो अब प्रक्रिया बंद कर दी गई है। अब जयंती के दिन जो है महापुरुषों को याद कर रहे हैं, जिनकी सरकार जी जयंती के दिन महापुरुषों को याद कर रही है। परंतु मुझे ताज्जुब होता है कि शिवाजी महाराज की जयंती के दिन आज जो है यहाँ अव्यवस्था कैसे है, ये एक बड़ा सवाल है। नगरीय प्रशासन की जवाबदारी, नगरीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने बताया सीएमओ साहब से मेरी बात हुई है तो संसाधन भेजने की बात कही है, देखते हैं कितने में भेजते हैं। नगर पालिका की उदासीनता के चलते ये हालत है? हाँ, नगर पालिका की उदासीनता कारण ये है कि देखिए नगरी निकाय के चुनाव हुए नहीं है, नगर परिषद में जो है नगर पालिका में सब कुछ अधिकारियों कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है, जनप्रतिनिधि वहाँ पर है नहीं, तो ये इससे भी जो है काफ़ी चीज़ों पर असर पड़ता है। प्रदेश सरकार चुनाव करा नहीं रही है, चुनाव नहीं होने के कारण हम नगरीय निकाय में प्रतिनिधि भेज नहीं पा रहे हैं और इन्हीं कारणों से कई अव्यवस्थाएँ जो फैल रही हैं।